हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू देव कोचिंग सीबीएसई गुरु। डियर स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि इफ़ एचसीएफ ऑफ 210 एंड 55 इज एक्सप्रेसिबल, मतलब जिसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ 210 मल्टीप्लाई 5 और प्लस 55 वाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। क्या कह रहे हैं? फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वाई वैल्यू, वाई का वैल्यू फाइंड करना है, y का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं, लेट अस फाइंड, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे एस सी एफ जो है। तो क्वेश्चन को दोबारा देख समझिए कि इफ़ एस सी एफ ये है एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म, मतलब इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं एस सी एफ जो आएगा। ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करिएगा, इफ एच सी एफ की बात कर रहा है, एस सी एफ आएगा तो, ठीक है। लेट अस अगर हम देखते हैं, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि एच सी एफ दोनों का अगर फाइंड करते हैं 210 एंड 55 का, अप्लाइंग द इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा, 210 अगर 55 अप्लाई करेंगे तो हमें आ जाएगा 210। आपको पता है कि जो यहाँ होता है, ये नंबर होता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बट इसको आपको लिखना नहीं है। 210 को हम 55 प्लस इंटू 3 लिख सकते हैं, तो प्लस 45 रिमाइंडर बचेगा, फिर अगेन 55 यहाँ आ जाता है, एंड फिर 45 इंटू 1 ही जाएगा, 10 रिमाइंडर अगेन यहाँ आ जाएगा, फिर ये 45 यहाँ आ जाएगा, देन आप ये इजीली जानते हैं, ठीक है, 4 यहाँ आ जाएगा एंड 10 फिर हो जाएगा, 5 जो 4 5 या 10 40 होता है एंड 5 बचेगा, ठीक है। तो ईजिली है 210, मतलब अगर 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 5 या 15, 3 5 या 15 165, ठीक है, 45 बचा। तो ये ऐसे ही प्रोसेस हम नेक्स्ट करते चलेंगे। अब देखिए, तो हमारा जो नेक्स्ट आ जाएगा, आप देख सकते हैं 10 5 इंटू मल्टीप्लाई 2 एंड रिमाइंडर 0 हो जाएगा। जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 10 आ गया, तो हमारे पास एस सी एफ, वी ऑब्जर्व दैट द रिमाइंडर एट दिस स्टेज इज 0, रिमाइंडर 0 आ गया, तो लास्ट जो डिवाइजर होता है यहाँ जो 5 है वही क्या होता है, एच सी एफ, दैट इज एच सी एफ ऑफ द 210 एंड 55 का, ये एच सी एफ होता है। तो आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि जो एच सी एफ आ गया, एच सी एफ हमको पता था कि ये 5 के इक्वल है, और 210 जिस फॉर्म में हमें एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर 55 इसी साइड रहने दें, अगर इसको इस साइड ले जाएं, ठीक है, एलएचएस आरएचएस को इसको इस साइड ले जाएं, तो देखिए 5 यहाँ था ही, और माइनस ये जाके इधर जाके 105 हुआ था, तो हमारे पास 55 वाई इज इक्वल टू माइनस 1045 आ गया था। तो y को हम लिख सकते हैं माइनस 1045 डिवाइड बाई 55, डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 19। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, आप सॉल्व करिए और प्रैक्टिस करिए। ऑल द बेस्ट।